तो आर्थिक मोर्चे पर कितना बदला है भारत, इस मुद्दे पर लगातार चर्चा होती रहती है। इस बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधरी है, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल दाग रहा है। जीएसटी और नोटबंदी पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। हम इन्हीं मुद्दों पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद वापस लौटेंगे। देखिए, किया कुछ नहीं और जो कर रहा है उसको सवाल पूछे जा रहे हैं। अर्थनीति पर आर पार तंज और विपक्ष से तीखे सवाल। मौका इंडिया बिजनेस रिफॉर्म प्रोग्राम का है और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वार भी किया। राहुल गांधी इन दिनों चुनावी दौरे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार पर सवाल उठा रहे हैं। पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी ने राहुल के वार पर पलटवार किया। हिंदुस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, मगर अगर जेटली जी अपने ऑफिस से 5 मिनट बाहर जाएं और यहाँ किसी दुकानदार के पास चले जाएं या किसी छोटे व्यापारी के पास चले जाएं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के पास चले जाएं, तो उनको समझ में आ जाएगी हिंदुस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव हुई है या हुई है। मुझे अरुण जेटली जी से बात करने की जरूरत नहीं है। भारत की रैंकिंग 142 से 100 होने की बात समझ नहीं आती है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहले वर्ल्ड बैंक में रह चुके हैं। वो आज भी भारत की रैंकिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। भारत इसमें 30 पायदान ऊपर आ चुका है। रैंकिंग में भारत का स्थान 100वां है। 2015 में इस लिस्ट में भारत 130वें नंबर पर था। कांग्रेस का कहना है कि वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में सुधार का जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन पीएम मोदी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि अरुण जेटली जी किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को अपनी जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूं उसने वर्ल्ड बैंक का बिल्डिंग भी नहीं देखा है, जबकि पहले वर्ल्ड बैंक को चलाने वाले लोग यहां बैठा करते थे। मैं तो कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की इस रैंकिंग पर सवाल उठाने के बजाय आइए हम मिलजुल करके अपनी कमियों को एड्रेस करें। पीएम का दावा है कि रैंकिंग में सुधार गुड गवर्नेंस का संकेत है। पिछले 4 साल में करीब 1200 कानूनों को खत्म किया गया है। आने वाले दिनों में सरकार और भी बेहतर कदम उठाएगी। टीम न्यूज नेशन। तो रैंकिंग का मतलब क्या है, ये भी समझना जरूरी है, और ये सब कुछ समझाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हैं, हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार मनोज गैरोला जी हैं, साथ ही साथ अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और सबसे पहले रुक करना चाहूंगी जफर इस्लाम साहब का। जफर इस्लाम साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ही जो है ईज ऑफ लाइफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का पुरजोर तरीके से जिक्र किया था उस समिट में, उस मौके पर। इसको आप कैसे लेते हैं, साथ ही साथ ये भी संकेत दिया कि ये सब कुछ गुड गवर्नेंस की वजह से हुआ है, आप बताइए। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई मांगने से नहीं मिलता है कि अप्लाई कर दिया और मिल गया। ये पूरी इसकी एनालिसिस होती है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी संगठन हो, जो भी इसको पूरे अपने जो रिफॉर्म्स मेजर्स लिए हैं सरकार ने और उसके जो फायदे दिखते हैं ज़मीन पे, उसके बेसिस पे उस ये रैंकिंग आती है। तो 4 साल से सरकार बराबर रिफॉर्म्स मेजर पे बराबर रिफॉर्म्स मेजर ले रही, और जो अनाउंस करती है वो कैपेबल है लेने के लिए डिसीजन, जैसे जीएसटी जैसे डिसीजन, टफ डिसीजन भी जी। उससे फ़र्क पड़ता है, और रेड टेपिज्म जो कम हो रहा है वो भी साफ साफ दिखता है। तो आप देखिए कि पहले साल में कम रिफॉर्म्स हुए थे, जो शुरुआत हुई थी शुरुआती दौर में जो रिफॉर्म्स हुए थे उसमें जो है 12 अंक ऊपर आए थे, 12 पॉइंट ऊपर आए थे। अब पिछले सालों में काफ़ी बड़े रिफॉर्म्स हैं और ज़मीन पे वो दिख रहा है। ठीक, बहुत सारे जो ऑब्सोलीट गाइडलाइन भी थे उसको ख़त्म किया और नए रिफॉर्म्स मेजर्स लिए, इसका फायदा अब दिख रहा है। और अब जफर इस्लाम साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय झा साहब भी जुड़ चुके हैं।
वो शायद आपकी बात से इत्तेफाक ना कर रखते हो। आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। संजय झा साहब, मौका तो दीजिए। भारत की रैंकिंग में 42 अंकों का सुधार हुआ है, मौजूदा सरकार को बधाई देते हैं आप, ये देश की तरक्की है, किसी पार्टी की नहीं। संजय झा साहब, नहीं देखिए, हाँ देखिए, मैं इतना ही कहूंगी, हमें अंत में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रैंकिंग चाहे जहां भी बदले, जैसे भी बदले, क्या ज़मीनी स्तर पर उससे आम आदमी को कोई फ़ायदा मिला है। देखिए सच्चाई क्या है कि आज यदि आप रैंकिंग को, रैंकिंग बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये भी पूछा जाए साथ में कि आप ये कैसे फिर आप जस्टिफाई करेंगे कि हमारा GDP पिछले 6 quarters में गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, आज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत अच्छा होता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों इतना नकारात्मक हो चुका है। तो देखिए सच्चाई तो यही है, और मैं आंकड़ों में बहस करना चाहूंगा। ये सवाल मेरा रैंकिंग को लेकर था, जो बाकी चिंताएं आप बता रहे हैं उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल ये कि अगर दुनिया भर में भारत की रैंकिंग सुधरती है तो क्या आप मौजूदा सरकार को बधाई देते हैं? ये देश की रैंकिंग है। देखिए हम तो यही कहेंगे कि संजय झा जी के बाद नहीं, देखिए एक मिनट, इस रैंकिंग की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि सिर्फ ये दिल्ली और बम्बई दो शहरों को ये सैंपल में लिया है, और आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा एक देश है, महान देश है, एक पेचीदा देश है, हमारे समस्याएं बहुत ही विचित्र हैं, बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुश्किल हैं, और इसके सामने यदि इसमें खुदरा व्यापारी, छोटे छोटे किसान, लेकिन हमारा जो फॉर्मल सेक्टर कहते हैं उसको तो ये विरोध के लिए विरोध ढूंढना तो नहीं है। मनोज गैरोला साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा जैसे विपक्ष कहती है, दरअसल में विश्व बैंक की उस पूरी फॉर्मेट पर ही सवाल खड़ा कर देती है जो पहली बार रैंकिंग जारी नहीं कर रही है, जो हर साल ये काम करती है। जी देखिए, ये जो अभी कहा गया कि ये जो रैंकिंग है सिर्फ 2 cities पर ही बेस्ड है, तो ऐसा है कि वर्ल्ड बैंक जो 190 देशों की रैंकिंग करता है उसमें 170 देशों में सिर्फ एक ही शहर के बेस पे रैंकिंग करता है, और इंडिया की क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इंडिया में 2 शहरों की उन्होंने रैंकिंग करी है। दूसरी बात यह है कि जिन पैरामीटर्स के कारण हमारी रैंकिंग ऊपर हुई है वो सारे के सारे पैरामीटर्स, वो सेंटर की जो पॉलिसीज़ हैं, वो सेंटर की पॉलिसीज़ के कारण उन पैरामीटर्स में की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस, बिल्कुल, तो जो टैक्सेस जो अभी जो कॉरपोरेट टैक्स का जो कंप्लायंस है वो चाहे इंडिया हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कोई और स्टेट हो, हर स्टेट में क्योंकि वो सेंटर से गवर्न होता है तो इसीलिए हर जगह उसका जो इम्पैक्ट है वो सेम है। इसी तरीके से जो सरकार इंसॉल्वेंसी कोड लेकर आई है जी, उसके कारण जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है वो पूरे के पूरे देश में उसका इम्पैक्ट सेम है। तो ये कहना कि ये सिर्फ 2 शहरों के बेस के कारण है, ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप वर्ल्ड बैंक के रैंकिंग या उसके काम करने के तरीके पर ही अगर सवाल उठाते हैं तो आप देखें, थोड़े टाइम पहले, थोड़े दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने GDP पे एक रिपोर्ट तैयार करी थी, बिल्कुल उसको कोट किया जाता था अपने अपने साथ, और हाँ, और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी थी क्योंकि वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव थी जी, तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला कि वो रिपोर्ट बहुत अच्छी है और उसको हर जगह वो अपना ट्वीट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर यामिनी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, बात हम लगातार कर रहे हैं, जो उछाल आया है, जबरदस्त उछाल है, उसका वेलकम होना भी चाहिए क्योंकि भारत जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर है, इसका सीधा संकेत है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर भारत जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है, आपको क्या लगता है कि उन पैरामीटर्स पर भी काम करने की जरूरत है? अगर हम बात करें जुडिशरी रिफॉर्म्स की, बात करें हम यहाँ पर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का जिक्र करें, इसके अलावा कई सारे सेक्टर्स हैं, वहाँ पर आपको क्या लगता है किस तरीके से आगे काम करना चाहिए, किस पोजिशन में और उछाल आए आने वाले वक्त में और भारत प्रोग्रेस करे? जी देखिए, कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है जिसके अंदर डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे डिजिटलाइजेशन किया जाए या सेंट्रलाइजेशन किया जाए रिकॉर्ड्स का, तो चाहे वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई और परमिट्स लेने हो, या सिंगल विंडो फ्रेमवर्क ऑफर करना हो बिजनेसेस के लिए, वो सब तरीके अपनाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है लिंकिंग अप का, तो वी के नॉट एक्सपेक्ट, हम ये नहीं कह सकते कि वो इमिजिएटली हो जाएगा, वो थोड़े थोड़े दिनों के बाद होगा, कुछ टाइम लगेगा उन रिफॉर्म्स को आने में और वो रिफॉर्म्स स्लो प्रोसेस में आए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच संजय झा साहब, एक चीज़ और आपसे समझने की कोशिश करूँगा। सरकार कह रही है कि देखिए GST जैसे जो बड़े कदम सरकार ने अभी उठाए हैं
इनकी झलक तो इस रैंकिंग में दिखी ही नहीं है, यानी अगली साल जो रैंकिंग आएगी उसमें भारत की स्थिति और बेहतर होगी। राजनीतिक तौर पर उस बढ़ी रैंकिंग का नुकसान आपको होगा, आप मानते हैं क्या इस बात को? नहीं देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि भारत की आवाम अब समझ चुके हैं कि बयानबाजी से और हवाबाजी से ये देश नहीं चलता है। उदाहरण के तौर पर मैं जीएसटी का ही आपको मैं नमूना पेश करना चाहूंगा। जीएसटी एक ऐतिहासिक एक परिवर्तन है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के कानून में। इसकी पूरी प्रणाली, इसका पूरा जो प्रणाली शासन जो है कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था, लेकिन आज जीएसटी को जिस तरीके से इन्होंने लागू किया है बीजेपी ने, ये देश का आर्थिक जो व्यवस्था है उसको तहस नहस कर दिया है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है वो सिर्फ कानून को देखता है, वो कानून कैसे लागू होता है वो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट नहीं देखता। माफ कीजिए, रोक रहा हूं, 10 अलग अलग पैरामीटर हैं रैंकिंग को तय करने के, उससे आम आदमी की जिंदगी पर क्या है? 10 अलग अलग पैरामीटर हैं रैंकिंग तैयार करने के, सिर्फ कानून नहीं है, बहुत सारी चीजें। देखिए एक जरा से मुझे ठीक है, लेकिन जफर इस्लाम साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और जरा बताइए। मैं आपको बताऊंगा कि 10 पैरामीटर है। मैं आता हूं संजय जी आपके पास, जफर इस्लाम साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं और जो बुनियादी आरोप है कांग्रेस का कि रैंकिंग में भारत की हालत भले सुधरे लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिख रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए ये मुझे दो मिनट का समय जी दीजिए। जो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल रिफॉर्म्स सरकार ने लिया, रिफॉर्म्स आफ्टर रिफॉर्म्स लिए हैं, तो उसके नतीजे हैं कि रैंकिंग इंप्रूव है। और जो 10 पैरामीटर है उसमें 8 में जो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ, और ऐसी कोई चीज़ें हैं जो 2 पैरामीटर जहां इंप्रूवमेंट नहीं है उस पर सरकार फोकस कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में उन सब चीज़ों पे भी एड्रेस कंसर्न जो है एड्रेस किया जाए। अब जहां तक जीएसटी का सवाल है, कांग्रेस की सबसे बड़ी तकलीफ है, मियां मुन्ना आजकल हर जगह कहते चल रहे हैं कि भाई ये हमारा जीएसटी था, हमारा जीएसटी में ऐसा था वैसा था। देखिए इनके जीएसटी में जो सबसे बड़ी तकलीफ जो एक आम जनता के लिए थे कि उन्होंने रेट बहुत ऊपर रख करके रखा था, जो कि यूनिफॉर्म वन रेट, गरीब देश में एक रेट 18%, चाहे वो गरीब के पॉकेट से पैसा निकालना चाहते थे, जिसके हमारी सरकार खिलाफ थी, इसलिए हमने मल्टीपल रेट रखा ताकि मल्टीपल रेट बोल रहे हैं एक गरीब आदमी के लिए बहुत सारी चीजें, चावल दाल खाने के लिए। जानना चाहूंगी आपसे, इंडिया बिजनेस रिफॉर्म का एक कार्यक्रम था दिल्ली में जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थ नीति पर सीधे जवाब दिया विपक्ष को। मैं समझना चाहूंगी आपसे, पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद अगर तैयार की जाती रिपोर्ट तो नतीजे और बेहतर होते। ये रिपोर्ट उससे पहले तैयार की गई है, इसलिए हम 100वें पायदान पर आए हैं। आप कैसे इसका विश्लेषण करते हैं, क्या फर्क पड़ता जीएसटी लागू होने के बाद अगर ये रिपोर्ट तैयार की जाती वर्ल्ड बैंक की? देखिए अगर जीएसटी लागू होने के बाद अगर ये रिपोर्ट तैयार होती तो जीएसटी के जो फायदे हैं जो हम सब देख रहे हैं कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस खत्म होंगे, कैस्केडिंग टू सर्टेन एक्सटेंट खत्म होगा, डबल टैक्सेशन खत्म हो गया है ऑलरेडी, और वन नेशन वन टैक्स। हमने देखा था कि प्री जीएसटी रजीम में डिफरेंट राज डिफरेंट वैट लगाते थे, अब हम एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन में आ गए हैं जिसमें वन नेशन वन टैक्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमें एडवांटेज ये होगा कि जब जीएसटी के फायदे आने स्टार्ट होंगे तो जरूर हमारे पायदान, हम और ईज ऑफ बिजनेस में आगे की ओर जाएंगे जी। अब जीएसटी जो लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, जो हम देख रहे हैं जो आज ग्लिचेज आ रहे हैं वो थोड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और इसके लिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये विश्व में इंडिया में बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें कई खामियां हैं जो जीएसटी नेटवर्क पे आ रही हैं पर्टेनिंग टू रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं जीएसटी के जो रियल एडवांटेज जो हम देखना चाहते हैं और जिसकी वजह से हमारा ईज ऑफ बिजनेस सिंप्लीफाई होगा, उस पे थोड़ा टाइम लगेगा, पर जीएसटी में जो फायदे हैं उसका फायदा उसका हमें रैंकिंग पर भी दिखेगा। लेकिन संजय झा साहब, आप अभी जीएसटी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे, साथ में ये भी कह रहे थे कि देखिए जब हम सत्ता में थे तब हम ही जीएसटी को लेकर आए थे, अब तस्वीर बदल गई, लेकिन थोड़ा बताइएगा जीएसटी काउंसिल की अब तक 22 बैठकें हो चुकी हैं, कोई एक ऐसा फैसला जिसमें वोटिंग की जरूरत पड़ी हो, कोई एक फैसला जिसमें सदस्यों में आपत्ति सामने आई हो,
ऐसा जब जीएसटी काउंसिल की बैठक में नहीं होता तो बाहर जीएसटी के विरोध में बयान क्यों होते हैं? ये किस तरीके का विरोधाभास है? क्योंकि काउंसिल में आपकी पार्टी के नेता भी हैं वित्त मंत्री के तौर पर। मैं देखिए आपको शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रचार ने बहुत लोगों को यह बात करके गुमराह किया है। आप बता दीजिए, ये समझिए कि जीएसटी काउंसिल में केंद्र का भूमिका होता है और राज्य सरकार में सबसे ज्यादा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इसीलिए आज यदि मान लीजिए कि हमारी सरकार कर्नाटक या पंजाब में इनके साथ सहमत न रहे तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। संजय झा साहब, आप तो संसदीय व्यवस्था को जानते हैं, एक सदस्य भी वोटिंग की मांग कर सकता है, एक सदस्य भी बाहर आकर कह सकता है कि मुझे आपत्ति है फैसले पर। आप क्यों नहीं कर्नाटक में वैट घटा दीजिए? ठीक है, जबर साहब आऊंगा आपके पास, लेकिन मनोज गैरोला साहब जरा इस तकनीकी पहलू को समझिए। हिमाचल और पंजाब दोनों जगह जीएसटी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन जीएसटी काउंसिल में जब बैठकें होती हैं तो कहीं वोटिंग की खबर सामने नहीं आती, कहीं विरोध की खबर सामने नहीं आती, ये कैसा विरोधाभास? जी देखिए, ऐसा है कि जीएसटी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। देखिए, क्योंकि जीएसटी नया नया आया है तो इसीलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के टाइम जो भी नई चीज़ में इश्यूज़ होते हैं वो जो इश्यूज़ हैं वो अभी हमारे सामने आए हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टियां उस शॉर्ट टर्म का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उस शॉर्ट टर्म को ही भुनाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, इसमें बुराई भी नहीं है। इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन सारे के सारे स्टेट्स को मालूम है कि अल्टीमेटली ये व्यापारियों के लिए और स्टेट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसलिए कोई इसका सामने आकर अपोज भी नहीं वो है करना चाहता। मतलब बैठक में विरोध नहीं होता है, चुनावी रैलियों में विरोध होगा। हाँ, वो हाँ जी, वही रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल है। डॉक्टर यामिनी, मैं समझना चाहूँगी आपसे, अगर हम बात करें तमाम पैरामीटर्स की जिनके बिना पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, सुधार की जब जब बात आती है तमाम सेक्टर्स का जिक्र आता है और अब ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो रैंकिंग है उसमें और इजाफा हो और भारत और ज़्यादा जो है आगे बढ़े, किस तरह के रिफॉर्म्स आप देखती हैं जिनकी सख्त दरकार है तुरंत प्रभाव के साथ? चूंकि वक्त लगेगा, इसका जिक्र आप चर्चा की शुरुआत में भी करी थी, फिर भी कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी अछूते हैं और जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं यानी कि जो कड़े कदम हैं उनको उठाने की दरकार है तुरंत प्रभाव के साथ? मोस्ट ऑफ द जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाहती हैं कि लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएँ और जो है लेबर रिफॉर्म्स लाए जाएं। जो अभी लेबर लॉज हैं वो बहुत सारे हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने में या चीज़ें करने में स्टेट वाइज या अदरवाइज, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो एक प्रोडक्टिविटी नहीं अपना पा रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट। हालांकि वो राज्य अलग अलग राज्यों पर निर्भर करता है, स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ, स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए लैंड रिफॉर्म्स और लेबर रिफॉर्म्स सबसे ज़्यादा माने जा रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत है एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाने के लिए। ठीक है, लेकिन जफर इस्लाम साहब, जीएसटी को लेकर आपकी सरकार उत्साहित भले हो, लेकिन जिस ओर इशारा संजय झा कर रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले साल की रैंकिंग में जीएसटी आपकी मुश्किलें भी बढ़ा सकती है? आप रिटर्न फाइल करने की एक के बाद एक जो तारीखें हैं वो बढ़ा रहे हैं, जो आपका जीएसटी का नेटवर्क है जीएसटीएन वो पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है, इससे स्थितियां सुधरने वाली हैं या बिगड़ने वाली हैं? जफर इस्लाम साहब, देखिए, ये दोनों जो स्टेटमेंट आपने कहा, दलील दी, दोनों में सच्चाई नहीं है। ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, ज़रूर है, थोड़ी बहुत तकलीफें आती हैं जब आप माइग्रेट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो जाहिर है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम का समाधान होता है। ये नहीं कि क्रिटिसिज्म का और सिस्टम ख़राब हो गया, उस प्रॉब्लम का जो टीजिंग प्रॉब्लम का समाधान निकालते हुए और जब ये एक दो महीने में जब एकदम स्मूथ हो जाएगा तो यही संजय झा को मजबूरन बोलना पड़ेगा कि सिस्टम तो ठीक चल रहा है, आप कुछ और सोचते हैं मियां मुन्ना, कुछ और तरीका निकालने का। लेकिन जफर इस्लाम साहब, 1 जुलाई से हम नवंबर में चर्चा कर रहे हैं और अगले 3 महीने की बात आप कर रहे हैं, रैंकिंग एक ही साल की होती है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी रोल आउट होकर इंप्लीमेंट हो गई है, छोटी छोटी टीजिंग प्रॉब्लम है। आपको देखिए, अगर कोई सिस्टम नहीं काम करता है तो उसके सिर्फ रिटर्न ही तो फाइल करने में थोड़ी बहुत तकलीफें आ रही हैं, बाकी आप देखिए सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम है, कंजम्पशन साइड में कोई प्रॉब्लम है, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी राहत देने वाला है या मुश्किलें बढ़ाने वाला है आने वाले दिनों में इस तरीके की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के लिए? फाइल करने में थोड़े बहुत अगर कठिनाई हो रही है उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, गैरोला साहब, देखिए, आने वाले टाइम पे तो जीएसटी एक को सारे के सारे कंपनीज भी और इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसीज जैसे वर्ल्ड बैंक है तो इसको एक बहुत ही बड़े पॉजिटिव कदम के तौर पे ही सामने देखेंगे। जी, क्योंकि जीएसटी से हमारा जो टैक्स सिस्टम था ये बिल्कुल ही एक रैशनल हो गया है
और अगर आप देखें तो इस बारी भी जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वो है इंसॉल्वेंसी कोड का। बिल्कुल, इंसॉल्वेंसी कोड ने, इंसॉल्वेंसी कोड और जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बना है उसके लिए जी। तो अब इन दो कानून के बाद जीएसटी एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसका कि इम्पैक्ट अगले साल पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा आपके, पॉजिटिव पड़ेगा। लेकिन मुश्किलें अभी भी हैं। नहीं, मुश्किलें तो देखिए एक नई चीज है, एक नई चीज को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें तो आएंगी ही। और जफर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए संक्षेप 10 सेकंड जी। देखिए संजय झा और जो यामिनी जी हैं दोनों सब इस बात का और जो भी लोग हैं पैनल में ज़्यादा समझ पाएंगे। हम दोनों देखिए, हम भी बैंकर रहे हुए हैं, संजय झा भी बैंकर रहे हुए और अर्थशास्त्र के वो स्पेशलिस्ट हैं। आज मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टी में, मैं मिलता हूँ ग्लोबल इन्वेस्टर से भी और पार्टी के बारे में और सरकार की जो उपलब्धियाँ उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऑफ द ट्रैक थोड़ा जाके बता रहा हूँ कि दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो टॉप क्लास के इन्वेस्टर हैं, जो बराबर वही इन्वेस्टर जो कहते थे 2012-13 में कि पॉलिसी पैरालिसिस, इंडिया में बिल्कुल फ्रेजाइल इकोनॉमी है, आज सबसे ज्यादा अगर दुनिया में इंटरेस्ट है उनको इन्वेस्ट करने का तो इंडिया में है। सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जीएसटी, लेकिन जीएसटी को लागू करने के तरीकों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हम आर्थिक सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। एक देश एक टैक्स, सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जीएसटी। नोटबंदी के जरिए ब्लैक इकोनॉमी पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी सरकार इसका दावा करती रही है लेकिन राहुल गांधी जीएसटी और नोटबंदी पर वार करते रहे हैं। राहुल जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बता चुके हैं, इसके साथ ही वो सत्ता में आने के बाद जीएसटी को बदल देने का वादा भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, वो ऑल एंड आउट आउट एंड आउट डिजास्टर था। पता नहीं किस चीज का सेलिब्रेशन करेंगे, मगर 8 नवंबर हिंदुस्तान के लिए दुख का दिन है। अच्छे आइडिया को कैसे नष्ट किया जा सकता है। जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, मगर सरकार ने उसकी इंप्लीमेंटेशन को बिल्कुल गलत तरीके से किया और इसके कारण जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जबरदस्त नुकसान हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि जीएसटी से कारोबारियों को परेशानी हो रही है, व्यापार पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन पीएम मोदी हर मंच से जीएसटी का बचाव कर रहे हैं। इंडिया बिजनेस रिफॉर्म प्रोग्राम में पीएम मोदी ने दावा किया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जीएसटी लागू होने के पहले बनाई गई है, अगर बाद में रिपोर्ट आती तो भारत की रैंकिंग और बेहतर होती। कि जिस समय हमने जीएसटी लाने का संकल्प किया तब लोगों को लगता था आएगा कि नहीं आएगा, 1 जुलाई को होगा कि नहीं होगा, हुआ। फिर होने के बाद लगा कि हम मर गए, ये मोदी है कुछ सुधार नहीं करेगा। और हमने तब कहा था कि हमें 3 महीना इसको बारीकी से देखने दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और दिल्ली में ही बुद्धि भरी हुई है, ऐसा नहीं है जी। पीएम मोदी भरोसा दे रहे हैं कि जीएसटी पर सरकार का रुख लचीला है, कारोबारियों के सुझाव को अमल में लाया जाएगा, सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो इस रिपोर्ट पर बात करेंगे, लेकिन रिपोर्ट से पहले हम बात करेंगे, जफर इस्लाम साहब आप जिक्र फरमा रहे थे कि 2014 से पहले के हालात दूसरे थे, अब हालात अलग हैं, और उस पर संजय झा कुछ कहना चाहते थे। संजय झा जी, आप इस बात को वेलकम नहीं कर रहे हैं कि भारत ने एक शानदार तरक्की के पथ पर एक और जो स्थान है वो हासिल किया है, लेकिन यहाँ पर आप लगातार इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि हालात जो है उनमें कोई फर्क नहीं आया है, जमीनी हकीकत से ठीक परे रिपोर्ट नजर आती है, लगातार आपका डिनाइल नजर आ रहा है, मानिए ना इस बात को कि तरक्की के पथ पर हम आगे हैं। नहीं, सबसे पहले मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का मैं बयान सुन रहा था, आपके दर्शकों को ये फिर से बताना बहुत ही अहम है कि जीएसटी को रोकने में सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, वरना ये हमारे वक्त में यूपीए के वक्त में 2013 तक हो जाता जी। उसमें मोदी जी जो आज जीएसटी के गुण गाते हैं उन्होंने ही इसको रोका, उनकी बाधाकारी राजनीति ने जीएसटी को रोका। खैर, मैं दो चीज संक्षेप में कहना चाहूंगा जी। कि देखिए जीएसटी जो है उसको आप आइसोलेशन में उस पर वाहवाही न,
देखिए भारत में एक छोटी सी बालिका संतुषी को 11 साल की लड़की झारखंड में वो भूख के कारण मृत्यु हुआ। कोई क्या नरेंद्र मोदी जी ने उस पर कोई ट्वीट किया? आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 100वां हमारा रैंक है। अरे भाई ग्लोबल कोरिया और सीरिया के पीछे है बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी बताइए जाती है कि जो इंडेक्स जो है भाई साहब अब आप ये देखिए जरा साहब सुन लेते हैं उसके बाद आपके पास आएंगे एक एक कर। अरे क्या मैं बोल सकता हूँ? और बाकी जफर इस्लाम साहब एक एक कर संजय जाजी कहें आप जरा मुझे खत्म करने दीजिए जी जरा मुझे खत्म करने दीजिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हाँ जैसे अरुण शुरी जी ने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी हमारे इतिहास में 1947 से लेकर आज उससे बड़ा घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम भारत ने नहीं देखा है ये सच्चाई है। आज आप ये सोच लीजिए कि नोटबंदी और जीएसटी के लागू करने पर हम ये नहीं कह रहे कि जीएसटी खराब कानून है वो तो हम ही नहीं सोचा था वो तो हमारी ही प्रणाली है उसका ढांचा तो हम ही ने तैयार किया था हम जीएसटी की आलोचना नहीं कर रहे। संजय झा साहब आपने तमाम पहलू बताए आर्थिक मोर्चे पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात आप बर्बाद करके रखा है मौत की बात जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। लेकिन क्या आपको ये याद है कि गरीबी हटाओ का नारा 70 के दशक में आपने दिया था उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में आज भी देश के सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। काला हांडी भी आपको याद होगा वो आंकड़ा भी आपको याद होगा जिसमें हर दिन औसतन 2000 किसान इस देश में खेती छोड़ने को मजबूर थे। लेकिन आगे बढ़ते हैं जफर इस्लाम साहब सीधा सवाल आपसे कि आप एक तरफ तो दावा भरते हैं दम भरते हैं कि देखिए वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम बेहतर हुए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लेकिन जो बुनियादी सवाल कांग्रेस यहां पर उठा रही है कि आर्थिक मोर्चे पर बाकी चुनौतियों को भी तो आप देखिए आप पेट्रोल के दाम को देखिए आप बाकी तमाम जो चुनौतियां हैं उनको भी समझिए रोजगार जैसे मोर्चों को भी देखिए। देखिए दो तीन बातें कहूंगा। पहली बात के संजय झा की जानकारी के लिए ये बताना जरूरी है कि बार बार कई बार डिबेट में अक्सर या कई बार हम भी रहे उनके साथ जब वो इसका मेंशन करते हैं हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि 2012 से 2016 का इंडेक्स आया था 6 पैरामीटर्स पे उन्होंने किया था और 2012 से 2014 तक जो है मई तक जून तक आपकी सरकार थी मई तक मतलब 2.5 साल का वक्फा आपका था 1.5 साल का वक्फा हमारा था। ठीक है 5 चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ है और आपने अपनी बात की मौजूदा स्थिति आर्थिक मोर्चे पर मौजूदा बाकी बड़ी चुनौतियों की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ देखिए हमारी सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से दो ही हमारे जो फिलॉसफी है कांग्रेस के से हटके कांग्रेस ने नारा देती है कि गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने दी और कभी गरीबी हटी नहीं हमारे जो बिल्कुल डेडलाइन के साथ 2022 तक गरीबी खत्म हो गया पॉवर्टी खत्म हो जाएगी देश से लोग बिल्कुल इस स्थिति में होंगे कह सकते हैं कि हाँ देश में हम अच्छी हालत में खुशगवार माहौल में रह रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा सिर्फ नारेबाजी की। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिसी देखी 3.5 साल में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो बहुत बड़े बड़े पॉलिसी रिफॉर्म लिए हैं उसके इंप्लीमेंट होने के बाद उसके जो असर जो आते में समय लगता है। कांग्रेस जल्दी में है देश की जनता जल्दी में नहीं ये सत्ता के लालच में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जैन साहब हमारे साथ हैं जीएसटी एंड इकोनॉमिक टैक्स एक्सपर्ट हैं और बिमल जैन साहब इस तरक्की के साथ ही इस रैंकिंग में जबरदस्त उछाल के साथ ही भारत की यह भी कोशिश शुरू हो चुकी है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द जो कारोबार के लिहाज से आसान देश है उनकी सूची में टॉप 50 में खुद को शुमार किया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं इस पहल को इस कोशिश को? इस कोशिश को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में देखता हूं। बाकी अगर आप देखें कि जीएसटी के जो हमारे फायदे हैं जो हम जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं जीएसटी में इनिशियली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं नो डिनायल इनिशियली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं लेकिन आपको मानना पड़ेगा ये बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। लेकिन जीएसटी के जो हम फायदे देख रहे हैं मल्टीप्लिसिटी खत्म हो जाएगी जैसा मैंने कहा वन नेशन वन टैक्स की हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म टैक्सेशन की बात कर रहे हैं अगर ये सारे फायदे हम बिजनेस में देखेंगे तो इन सब का फायदा ईज ऑफ बिजनेस पे डेफिनेटली आने वाला है। और मैं आपको बताऊं जीएसटी काउंसिल मैं मोदी जी की इस बात से सहमत हूं उन्होंने कहा है कि जीएसटी में जितनी भी अभी कमियां हैं गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के जरिए दोनों मैं कांग्रेस बीजेपी दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जीएसटी काउंसिल में दोनों पार्टियों क्योंकि स्टेट फिनांस मिनिस्टर उस जीएसटी काउंसिल में बैठते हैं और बैठ के डिसीजन ले रहे हैं। इसी दौरान आपने देखा होगा जो 22nd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उनमें डिसीजन लिया गया एसएमई और एमएसएमई सेक्टर के लिए उसकी लिमिट 75 लाख रुपए से
1 crore रुपए कर दी गई। बिल्कुल। इसके अलावा जो एसएमई एमएसएमई हैं जिनकी टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है उनको लेकर भी फैसले लिए क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न जीएसटी का पारित होना दरअसल में हमारे देश के गैर साफ फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती भी है किस तरीके की सहमति बनती है। लेकिन 2014 से पहले की स्थिति को भी समझाइएगा आप। तो मुझे लगता है जो इनिशियली 3 मंथ में हमने खामियां जीएसटी में देखी जी, मैं मना नहीं कर रहा कि खामियां नहीं है, खामियां लेकिन आप कह रहे हैं उन पर पार पाली जाएगी। सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपकी बात कही, खामियां ये खत्म होगी। मनोज गैरोला साहब, 2014 से पहले की स्थिति को जरा याद करवाइए एक बार, जब बड़े बड़े कारोबारी प्रधानमंत्री को पत्र लिखते थे कि यहाँ पर कारोबार करने का माहौल नहीं है, यहाँ पर ट्रस्ट डेफिसिट एक बड़ी चुनौती है, यहाँ पर कानूनों की जटिलता एक बड़ी समस्या है। क्या आपको लगता है कि 2014 के मुकाबले 2017 में जब हम चर्चा कर रहे हैं और ये रैंकिंग आई है, स्थितियाँ बदली, इसको स्वीकारना चाहिए आर्थिक मोर्चे पर? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि अगर हम 2014 से पहले की बात करें तो 2014 के पहले इन्वायरमेंट, बिजनेस का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा नेगेटिव आ गया था कि किसी भी इन्वेस्टर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो इंडिया आए और इंडिया कर बिजनेस करे। ख़ास तौर से ये जिस समय 2G स्कैम और कोल स्कैम एक्सपोज हुआ उस समय पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई कि कोई भी बैंकर ये सजेस्ट नहीं करता था कि वो आकर कि कोई भी बिजनेस हाउस आकर इंडिया में इन्वेस्ट करे जी। तो तब से लेकर आज तक तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, कम से कम वो नेगेटिव जो माहौल था करप्शन का सारा ख़त्म हो गया। लेकिन किसी भी इकनॉमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। और वो इन्वेस्टमेंट हमारा 2014 से काफ़ी पहले ही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो खैर 2014 से काफ़ी पहले आना कम हो गया था जी, और वो अनफॉर्चुनेटली आज की डेट तक नहीं आ पाया जिस तरीके से आना चाहिए। बहुत संक्षेप में अगर आप समझा सकें कि अगर रैंकिंग बेहतर होती है भारत की तो इसका मतलब क्या होगा निवेश के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से? रैंकिंग बेहतर होने का मतलब ये है कि एक बहुत ही पॉजिटिव जो सिग्नल पूरे वर्ल्ड में जाता है और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वो इंडिया में बिजनेसिस में इन्वेस्ट करे। तो इस रैंकिंग का मेन कारण, मेन जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ यही है। और अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा तो लोगों का को उससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और इकोनॉमी की जो साइकिल है वो साइकिल चलनी फिर से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। बिमल जैन साहब, आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त जो छलांग भारत ने लगाई है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कामयाबी निश्चित तौर पर है, लेकिन आने वाले वक्त पर अगर हम बात करें कारोबार की सुगमता को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार को और कौन से कदम उठाने चाहिए और कौन से अलग अलग विशिष्ट कार्यक्रमों को चलाना चाहिए जिससे कि जो स्थिति और बेहतर हो पाए और हम जो है बेहतर स्थान हासिल कर पाए आने वाले वक्त में, और कौन से रिफॉर्म्स आप देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि जीएसटी में जो इनिशियली जो खामियां हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। आपने देखा होगा जीएसटी नेटवर्क जो बनाया गया है उसमें अभी कई खामियां आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड। इन खामियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए जिससे एसएमई एमएसएमई सेक्टर, लार्ज एंड फॉरेन एमएनसी जितने भी हैं, जितने भी टैक्स पेयर हैं या टैक्स डिपार्टमेंट है, हम सबके लिए गुड एंड सिंपल टैक्स बने। दूसरा, मैं चाहूंगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, मेक इन इंडिया में प्रमोट किया जाए और सपोर्ट किया जाए। कई जगह पर हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सिनेरियो देख हैं कि हम जब इंपोर्ट कर रहे होते तो प्राइसेस चीपर पड़ते हैं रेदर देन मेक इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया में हमें देखना चाहिए जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको हम कैसे प्रमोट करें और कैसे सपोर्ट करें। जहां तक रिफॉर्म की बात है, लैंड रिफॉर्म और लेबर रिफॉर्म को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है। लेबर रिफॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं। जीएसटी पर राजनीति को छोड़कर और खासकर ये जो रैंकिंग है इस पर सियासत को छोड़कर राज्यों को भी आगे आना चाहिए, अपने अपने राज्यों को कैसे बढ़ाना है उनको रैंकिंग को सुधारने के लिए, खासकर बिजली की उपलब्धता, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड जैसे सब्जेक्ट पर। जी, बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी के द्वारा हमने एक मार्केट तो क्रिएट कर दी है पर उस मार्केट का रियल फ़ायदा तभी होगा जब स्टेट्स अपने अंदरूनी तरीके से उसे बढ़ाएं। तो चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हो, लेबर रिफॉर्म्स के थ्रू हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हो या फिर रोड्स प्रोवाइड करना हो, ये सब देखें तो बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल। संजय झा साहब, रैंकिंग पर सियासत को छोड़कर क्या आपको भी लगता है कि आप तो आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं झा साहब, राज्यों को भी आगे आना चाहिए, चाहे वहाँ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो कहें कि हम भी साथ हैं सरकार की इस मुहिम के?
देखिए मैं तो सच कहूंगा कि देखिए ये वाहवाही का वक्त नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आज के अखबार का हेडलाइन पढ़िए आप, जो हिंदुस्तान टाइम्स ने दिखाई आज के ही अखबार में शायद पब्लिश हुआ है, लगभग 50% जो हमारे MBAs हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है जी। आज उत्तर प्रदेश में एक PN के नौकरी के लिए PhD के लोग वहां पर अपना वहां पर उन्होंने अपनी सिफारिश की है। तो यदि ऐसे संकट काल की स्थिति है तो इस वक्त सरकार अपने ही पीठ को अपनी वाहवाही करे, मुझे तो ये बड़ा ही अजीब सा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। देखिए सच्चाई यही है और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि हम लोग यहाँ पर अभी ईज ऑफ रैंकिंग की बात कर रहे हैं जी। और मनोज जी ने बहुत ये तो अच्छे दिन का सब लोग अच्छे जफर इस्लाम साहब मैं एक संक्षेप जवाब चाहूंगी संजय जी मैं आपको रोकना चाहूंगी जफर इस्लाम साहब ये बताइए लगातार चर्चा जा रही है और लेकिन एक चीज जहां पर हम पीछे हैं वो है राज्य स्तर पर जो इंडिकेटर मिल रहे हैं उसमें भारत की रैंकिंग अभी भी काफी पीछे है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए कि आगे ये परेशानी ये चुनौती हमारे सामने ना हो और ये इंडिकेटर्स ना मिलने पाए। तकलीफों के साथ भी उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको एफिशिएंट बनाना है, तो शायद जिस तरह सेंटर करे सारे स्टेट पे भी, हमारे देखिए सारे स्टेट पे फोकस है, पूरा फोकस है कि स्टेट पे भी रिफॉर्म्स आने चाहिए और रिफॉर्म्स दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के आप देखिए तो स्टेट्स के जो तीसरे नंबर पर है स्टेट्स है जफर इस्लाम साहब नहीं, हाँ मैं कह रहा हूँ कई ऐसे स्टेट्स है जिन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिखाया है पिछले 3-4 सालों में और ग्लोबल एजेंसीज भी उसको मॉनिटर कर रही है और स्टेट के इस अच्छे कदम को भी वो सराह रही है।